नेहरू जी चीन की यात्रा से लौटे थे। गृह नगर इलाहाबाद में उनकी जनसभा थी। स्वागत में गले में पड़ रही मालाओं के बीच में उनकी नजर सामने की पंक्ति में बैठे कविकार निराला पर पड़ी। निराला जी पर उस समय आंकड़े से पहलने वाली कर के आए थे। उनका शरीर मिट्टी और तेल से सना हुआ था। शरीर पर मात्र एक गमछा था। नेहरू जी ने बोला, शुरू किया कि मैं चीन गया था। वहां मैंने एक महान राजा की कहानी सुनी। राजा के दो बेटे थे, एक कुछ कम अकल और दूसरा बेहद बुद्धिमान। बच्चे जब बड़े हुए तो राजा ने दोनों को बुलाकर कम अवल लड़के को कहा कि तुम तो राजपाट संभालो, क्योंकि तुम केवल यही कर सकते हो। बुद्धिमान और अकलमंद लड़के को राजा ने कहा कि ये एक बड़े और महान कार्य के लिए पैदा हुआ है, यह कवि बनेगा। यह कहकर नेहरू जी ने अपने गले की माला उतार कर और मंच से नीचे आकर निराला जी के पैरों में सम्मान के स्वरूप में रख दी। यही देखकर पूरी सभा स्तंभ रह गई। तो दिस वर आर लीडर्स हु यूज टू गिव सो मच रिस्पेक्ट टू द कवि द पोएट्स। सो दैट्स व्हाट आई एम नॉट अ वेरी बिग लीडर, आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ ऑन इट, बट वी शुड रिस्पेक्ट आर पोएट्स, आर